व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो गाइज़, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ, जो कि है पार्क मार्केट धनबाद हीरापुर का मार्केट है। ये हटिया रोड है जो आपको दिख रहा है। तो चलिए आज पार्क मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं। तो गाइज़, इस वीडियो में मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं, और बहुत ही रिजनेबल और चीप प्राइसेस में बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स यहाँ पर मिल जाती हैं। तो मैं वो सारे शॉप आपको दिखाऊँगी जहाँ से मैं बहुत ही रिजनेबल प्राइस में बहुत अच्छी क्वालिटी और बहुत अच्छी चीज़ें वाली अच्छी क्वालिटी वाली चीज़ें लेकर जाती हूँ। तो ये मेरे घर के बहुत ही नज़दीक पड़ता है। ये हीरापुर पार्क मार्केट है, और ये जो आप देख रहे हैं ये हटिया रोड कहलाता है। तो चलिए आज एक्सप्लोर करते हैं हटिया मार्केट एंड पार्क मार्केट दोनों ही। तो यहाँ से हटिया रोड जो है वो ख़त्म होता है, और यहाँ से स्टार्ट होता है आपका पार्क मार्केट। तो आप देख रहे हैं कि कैसे फुटपाथ पे यहाँ पे चीज़ें बिक रही हैं। तो गाइज़, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि यहाँ की ये खासियत है कि आपकी जो चीज़ें होती है बहुत ही रिजनेबल प्राइसेस में यहाँ फुटपाथ पे मिल जाती हैं, और क्वालिटी भी इनकी बहुत अच्छी होती है। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 2000 वाली क्वालिटी होगी, बट हाँ, जैसे अगर आप कोई 200 का चीज़ खरीद रहे हो तो उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है। और दुकानों में जो चीज़ आप सेम चीज़ अगर खरीदोगे तो उसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा होती है, बिकॉज उनके दुकान का रेट होता है, शॉप का रेट होता है, प्लस उनके स्टाफ का रेट होता है, इलेक्ट्रिक का रेट, वो सारा इंक्लूड करके ही बेचते हैं, इसलिए वो थोड़े महंगे होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं। तो यहाँ के जो फुटपाथ का भी चीज़ें हैं वो भी आप कभी ज़रूर ट्राई करिएगा, अच्छी होती हैं। तो चलिए आज मैं आपके साथ ये शेयर करती हूँ कि मैं अपने घर का जो क्रॉकरी होता है वो मैं जो डेली यूजेस की चीज़ें होती हैं वो मैं कहाँ से लेती हूँ। तो गाइज़, ये भैया का जो वो दुकान है जहाँ से मैं बहुत सालों से परचेस करती आ रही हूँ, ये भैया हैं, और इनकी जो दुकान है उसमें बहुत अच्छी क्वालिटी के सारे क्रॉकरी होते हैं, और यहाँ बहुत अच्छे अच्छे कॉफ़ी मग्स एंड टी कप्स और भी बहुत कुछ ग्लासेस वगैरह बहुत अच्छी अच्छी मिल जाती हैं। तो आप यहाँ पार्क मार्केट आएँ तो यहाँ एक बार शॉप की जो लोकेशन है गाइस, वो विवेकानंद चौक के जस्ट सीधे आपको चले आना है, और बस आपको ये शॉप मिल जाएगा। और इसकी एक और लोकेशन ये है कि ये सोनू मोनू शॉप के जस्ट बगल में है। गाइस, आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, बट मैंने इसमें बहुत कुछ एक्सप्लोर किया है, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। ये 200, और ये भैया ये भी 200 रुपये का है, ये थोड़ा महंगा। क्यों ये इतना महंगा, क्यों इतना छोटा है फिर भी? ओ, लाइट वेट है इस वजह से। टूटेगा नहीं, ये गिरने से नहीं टूटेगा, ये लेकिन बहुत छोटा है, इसकी क्या प्राइस है? 300। ये भी मतलब गिरने से जल्दी नहीं टूटेगा क्या? ये ग्लास भी बहुत अच्छा लग रहा है गाइस। इसकी क्या प्राइस बोल रहा है? 300 रुपये। गाइस, मैं ये पिक कर रही हूँ। गाइस, आप लोगों को अगर लेना हो तो यहाँ एक बार जरूर विजिट करें, भैया बहुत अच्छे प्राइस में आपको लगा देंगे, ठीक है? और मैंने क्या लिया मैं आपको लास्ट में बताऊंगी।
यहाँ पे सेंटर पॉइंट है और इसके जस्ट बगल में जूस स्टॉल है, आप चाहें तो यहाँ पे पी सकते हैं। मैं हमेशा यहीं पर से आइसक्रीम सेंटर पॉइंट से लेती हूँ और जूस भी लेती हूँ यहाँ पे। और चलिए आगे आज मैं आपको वो स्टॉल दिखाऊंगी जहाँ से मैं हमेशा अपने डेली वेयर फुटवेयर परचेज़ करती हूँ, जो जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और इनकी प्राइस भी गाइस बहुत ही रिजनेबल होती है। तो चलिए देखते हैं आज इन्होंने किस तरह की चीज़ें वो लेकर आए हैं। हाँ वो दिखाइए। क्या प्राइस है इसके? क्या प्राइस है इसके? एक पर्ल डिजाइन में था, वो नहीं है पर्ल, पर्ल व्हाइट मोती। वो दिखाए ना एक, यस वो दिखाए। नहीं बहुत हेवी है। इसकी क्या प्राइस है? और इसकी भैया, इसकी क्या प्राइस है? सब 240 रुपए का है। नहीं ये दोनों आप दिखाएं और ये भी दिखाएं। गाइस चले अब हम घर। तो चलिए आप, आपको लोकेशन दिखा देती हूँ कि आपको आना कहाँ से। गाइस ये लोकेशन है और लोकेशन में आपको ये दिखेगा विवेकानंद चौक, तो आपको यहीं से आना है। और ये आपको ये जो एरिया दिख रही है यहीं से आपको ऑटो उतारती है। आपको इस पार्क मार्केट में एटीएम की जरूरत पड़े तो यहाँ एसबीआई का एटीएम है जो राइट साइड में मिल जाएगा आपको, विवेकानंद चौक के पास ही है। तो आप यहाँ से आराम से एटीएम से अपने पैसे निकाल सकते हो और शॉपिंग कर सकते हो। और भी लेने थे जो कि कुछ घर की यूज़ की चीज़ें थी जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे प्लास्टिक वाले सारे सामान यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे बहुत सारा प्लास्टिक का जो स्टॉल होता है, प्लास्टिक की चीज़ें होती है उसके स्टॉल्स हैं, तो आप यहाँ से परचेस कर सकते हैं। और मैं जिनके जिन भैया के पास से परचेस करती हूँ वो थोड़ा अंदर जाकर है, तो ये उनका स्टॉल है गाइज। और यहाँ से मैं ही हमेशा मैं यहीं से सामान लेकर जाती हूँ। तो देखिए वो क्या क्या बेचते हैं। कितने का भैया ये? 110 का है। ये वाला 110 का है और ये वाला? ये वाला 110। ओ ये वाला, ये वाला कितने का है? ये वाला 180 रुपए। ठीक है।
और मेरा मोपर। थैंक यू भैया। प्लास्टिक की चीज़ें ली, उसके थोड़े से अंदर जाकर देखे, ये सारी जड़ी बूटियों की और पूजा का जो सामान होता है वो उन सारे चीज़ों का शॉप है, और इसे पंसारी शॉप भी कहते हैं। और यहाँ पे जो भी जड़ी बूटी आपको चाहिए होती है वो मिल जाता है। मुझे भी यहाँ से कुछ परचेज़ करना था सो मैं इसलिए आई थी, तो मैंने आपको भी इसे दिखा दिया। थैंक यू। तो गाइज़ ये हटिया है, और यहाँ पे देखिए आपको फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, जो भी चाहिए होगा आपको यहाँ पे बहुत ही आसानी से मिल जाता है। और मैं हम लोग हमेशा जो सब्ज़ियाँ होती हैं और फ्रूट्स होती हैं वो यहीं से ले जाते हैं, और बहुत फ्रेश होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं। मेरी वीडियोज़ पर अगर आपने पहली बार विज़िट किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मेरी वीडियोज़ अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और अगर जो मेरे सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं तो मेरी वीडियोज़ को डेफिनेटली लाइक करिएगा। मैं इतना तो एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। पार्क मार्केट तो कवर नहीं किया है, बट नेक्स्ट व्लॉग में मैं पूरा कवर। रात हो चुकी है, वक्त ही घर चलते हैं। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलते हैं। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर और अपना ख्याल रखिएगा।